इन्फिनिक्स S6। हाँ गाइज, यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे अभी रूमर्स लीक्स आ रही हैं कि इन्फिनिक्स 10,000 रुपये के अंदर एक पॉपअप कैमरा वाला स्मार्टफोन लाने वाला है। आपको पता है इन्फिनिक्स की हिस्ट्री, 2019 उनके लिए बहुत बढ़िया ईयर रहा और उनने दो ऐसे स्मार्टफोन लॉन्च किए जो भाई बहुत चले। एक तो मुझे खुद ही नाम बहुत अच्छे से याद है, S5, इन्फिनिक्स का S5 जो था, उसमें भाई 10,000 रुपये के अंडर में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ना नई नई की। तो अब यहाँ पे यही इन्फिनिक्स का नया स्मार्टफोन आ रहा है, इन्फिनिक्स S6, जो हमें 10,000 रुपये के अंडर पॉपअप कैमरा देगा। तो यार ये वीडियो को पूरा देखिएगा, हम इस वीडियो में इसी बात इस फोन के बारे में बात करेंगे, तो पूरा देखिएगा। जल्दी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप लोग ने अभी तक नहीं किया। और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो नया इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन होने वाला है, इन्फिनिक्स का S6, ये एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है इन्फिनिक्स की तरफ से। भाई देखिए, इन्फिनिक्स का 2019 का इतना अच्छा ईयर गया है, तो अब 2020 भी अच्छा ही जाएगा ना मेरे भाइयों, मतलब अच्छे स्मार्टफोन आए तो चलिए बात करते हैं इस S6 के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिकेशन, देन बाद में बात करेंगे प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो स्पेसिफिकेशन में मैं बात करता हूँ, तो इस फोन के डिजाइन में बात करते हैं, तो यार इस फोन का जो लुक आएगा वो एक पोली कार्बोनेट होगा। बिकॉज देखिए यहाँ पे ना कुछ चीजों, मतलब ये इन्फिनिक्स करता क्या है, मतलब हमें जो आजकल ट्रेंड चल रहा है उसमें भाई सस्ते प्राइस में हमें वो ट्रेंड लेके आता है। भाई पॉपअप कैमरा का ट्रेंड है, तो अभी वहां पे वो अभी 15,000 से 14 10 15,000 से तो पहले मतलब मिलता नहीं है पॉपअप कैमरा, मिलना मुश्किल है। रियलमी एक्स अभी कुछ अराउंड 15,000 में था ना, हाँ, तो बहुत इतना महंगा है। तो अभी यहाँ पे आप तो कम प्राइस में दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आपको और चीज़ों में करना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं, जैसे मैंने डिजाइन पॉलीकार्बोनेट होगा, एक अच्छी लुकिंग होगी, जैसे S5 में थी वैसी कुछ ऐसी होगी। डिस्प्ले में बात कर, यहाँ पे हमें एक IPS पैनल मिलने वाला है और 6.4 या तो 5 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले होगा, IPS पैनल होने वाला है। और अभी मैं तो बोल रहा हूँ फुल HD प्लस, अब ये भी हो सकते हैं कि HD हो, HD प्लस हो, लेट्स सी, अभी ये भी कंफर्म बात नहीं है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फुल HD प्लस हो, बिकॉज यार यहाँ पे फुल HD प्लस तो मिलना चाहिए अब 10,000 रुपये के अंडर में। तो लेट्स सी, और बात कर लेते हैं वहीं पे इस फोन के यहाँ पे अब प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे प्रोसेसर आपको पता ही है, इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में कुछ इतना अप टू द मार्क नहीं होता है। हाँ, मीडियाटेक का कोई भी प्रोसेसर दे देंगे वो, अभी कोई कंफर्म इसके बारे में लीक नहीं आई है। वही बात कर लेते हैं कैमराज, कैमराज इस फोन के बहुत हाईलाइटिंग फीचर्स हैं। देखिए रियर कैमरा के बारे में भी अभी कोई लीक नहीं आई है, बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रिपल कैमरा से ज्यादा ही इस फोन में कैमरा मिलेंगे, क्योंकि यार इन्फिनिक्स है, इन्फिनिक्स कुछ ना कुछ तो अच्छा काम करते हैं। सेल्फी कैमरा के बारे में बात कर लिया जाए, क्या होगा सेल्फी कैमरा इस फोन के अंदर? देखिए गाई, सेल्फी कैमरा जो होगा वो पॉपअप होने वाला है, तो पॉपअप कैमरा होगा हमें 16 मेगापिक्सल का। तो आई थिंक ओवरऑल आप 16 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा, अब लेट्स सी वर्क कैसे करता है, बिकॉज कम प्राइस में पॉपअप कैमरा की क्वालिटी ना खराब हो। बिकॉज ये देखिए पॉपअप कैमरा मैंने खुद एक्सपीरियंस किया रियलमी एक्स से, आपकी अभी जो शूट आ रहा है ये पॉपअप ही से हो रहा है, तो यार बहुत ही एक्सपीरियंस अच्छा है, मतलब पॉपअप कैमरा अच्छा काम करता है। बट हाँ कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम देगा पॉपअप कैमरा भी, तो इसलिए देखना पड़ेगा। कि मेरा तो यार मैंने 17,000 कुछ में खरीदा था, तो अब आपने जो लेने वाला ये जो आने वाला है ये 10,000 रुपये के अंडर होगा, अब इसका पॉपअप कैमरा की क्वालिटी कैसी होगी, ज़्यादा मतलब बहुत स्लो ना हो, मतलब लाइक दैट मैं बोल रहा हूँ। तो लेट्स सी अब इसके बारे में क्या होता है। तो इन्फिनिक्स के हम इन्फिनिक्स से ये एक्सपेक्ट करेंगे भाई अच्छे ही काम करें, और ये ज़रूर से देख लीजिएगा कि आपके यहाँ सर्विस सेंटर है कि नहीं इसका, क्योंकि यार सर्विस सेंटर की ज़रूरत पड़ती है वैसे ज़्यादातर आपको जो भी पॉपअप वाले किन के लिए, तो इसलिए तो पॉपअप कैमरा 16 पिक्सल का होगा। वहीं बात करते हैं बैटरी के बारे में गाइस, इस फोन के अंदर हमें 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, और अब ये नहीं पता टाइप सी हो या कुछ होगा ये नहीं पता, बट हाँ 4000 mAh की बैटरी अच्छी है। और बस ये है पूरा इन्फिनिक्स का S6, हमें इतनी कुछ लीक्स आई थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और यार देखो बढ़िया स्मार्टफोन आने वाला है इन्फिनिक्स की तरफ से, बिकॉज यहाँ पे हमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं। चलिए बात करते हैं अब लास्ट ऑफ ऑल प्राइस एंड लॉन्च डेट। तो प्राइस जो है इस मैंने इसे बता चुका वीडियो से स्टार्टिंग है, जब से बोला जा रहा हूँ 10,000 रुपये के अंडर होगा। लेट्स सी कौन सा वेरिएंट होगा ये, अब बात कर लेते हैं वहीं पे गाइज इस फोन के। यहाँ फाइनली लॉन्च डेट के बारे में बात कर ली जाए, ये फोन कब लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर, तो मैं आपको बता दूं गाइज ये जो फोन है ये हमें मिलने वाला है जनवरी या तो फरवरी के मंथ में। हमें ये इन्फिनिक्स का S6 देखने मिल सकता है, जो पॉपअप कैमरा के साथ आएगा अंडर 10,000 रुपीज एंड बहुत सारी बढ़िया बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई यार तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर से कर लेना, मैंने बहुत अच्छे ये वीडियो बनाई है। आप लोगों को पसंद आई तो लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और इन्फिनिक्स के S6 की राय मतलब क्या आपकी राय है मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।